फटाके म्हटलं की कंठाळ्या बसवणारा आवाज आणि धूर हे आपल्याला माहिती आहे, मात्र असे काही फटाके आहेत ज्यातून धूर आणि आवाजाऐवजी रोपटी उगवतात। विश्वास बसत नसेल तर हा आमचा खास रिपोर्ट पहा। दिवाळीला फोडा सीट बॉम्ब, फटाके पेरा रोपटी उगवतील। फटाके फोडल्यानंतर पसरतो सुगंध। हे नेहमीच्या फटाक्यांप्रमाणे दिसत असले तरी हे फटाके नाहीत तर हे सीट बॉल्स आहेत। हे फोडल्यानंतर कांठाळ्या बसवणारा आवाज किंवा श्वास कोंडवणारा धूर निघत नाही, तर यातून वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या आणि रोपटी उगवतात। हर फटाके में जो बीज है वो कुछ सोच के लिए गए हैं, जैसे कि ये क्यूकम्बर रॉकेट है, मतलब इसमें ककड़ी रॉकेट, तो इसके अंदर ककड़ी का बीज है। ककड़ी एक बेल रहती है ककड़ी की जो ऊपर चढ़ती है, तो इसे ऐसा रखना होता है और ये जो लकड़ी है रॉकेट की इसी को पकड़ के वो वेल ऊपर चढ़ जाती है। ग्रीन आर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट अंतर्गत हे फटाके तैयार करण्यात आलेत, त्यामध्ये फूलबाजी, फ्लावर पॉट, स्काय शॉट असे वेगवेगळे प्रकार उपलब्ध आहेत। हम लोगों ने ऐसे फटाके बनाए वेस्ट पेपर से जो दिखते असली फटाकों के जैसे, लेकिन उसके अंदर बारूद नहीं है, उसके अंदर बीज है, तो उसे आप फोड़ नहीं सकते, आप उसे उगा सकते हैं। फटाके पर्यावरण पूरक आणि प्रदूषण मुक्त तर आहेतच, पण यातून रोजगार निर्मिती ही झाली आहे। मध्य प्रदेशातील सीमेवर छिंदवाडा जिल्ह्याच्या पारडसिंगा गावातील शेकडो महिलांना हे फटाके तयार करण्याचं ट्रेनिंग देण्यात आलंय, यातून महिलांना रोजगार मिळालाय। कि आप जो फटाके बना रहे हैं उससे एक तो प्रकृति का प्रदूषण भी कम हो रहा है और उससे आपके जो समय का सदुपयोग होता है, जो आप काम करते हैं उसका आपका मेहनताना मिलता है, उन पैसों से आप अपने घर पे अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। फटाक्यांमुळे ध्वनी आणि वायू प्रदूषण तर होतच, पण पशु पक्ष्यांनाही त्रास होतो, अशा वेळी ग्रीन फटाके एक चांगला पर्याय आहे। यातून फटाके फोडण्याचा आनंद तर मिळेलच, शिवाय पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही। संजय डाव, साम टीव्ही न्यूज, नागपूर।